लाफिंग बुद्धा कौन है? हो सकता है कि बहुत से घरों की तरह आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा रखे हों, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आए बिना रह नहीं पाती। लाफिंग बुद्धा बहुत से आकारों और अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं, और हम कभी वास्तु के अनुसार तो कभी घर की मुस्कुराहट के लिए या गुड लक के लिए इन्हें अपने घर में रखते हैं। लेकिन कभी आपके जहन में ये आता है कि लाफिंग बुद्धा है कौन, ये कैसे हम तक पहुंचे? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में। बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध हो गया। महात्मा बौद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य हैं, जिनमें से एक शिष्य थे जापान के होतेई। कहा यह जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, और उनके जीवन का उद्देश्य ही लोगों को हंसाना और खुशी देना बन गया। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते वहां लोगों को हंसाते, और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, और इसका ही अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया भर में खुशियां बांटने के होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायी भी पूरी दुनिया में फैलाने लगे। होतेई का इस स्तर से प्रचार किया गया कि चीन में लोग उन्हें भगवान मानने लगे, और भगवान की ही तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया है। कहा जाता है कि होतेई लोगों को प्रवचन नहीं देते थे बल्कि हंसा करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने ये जाना कि बिना किसी कारण के भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफों में डूबे रहने से समस्याएं हल नहीं होती। तो क्यों ना ऐसे में अपने नजरिए को बदला जाए, अपने जीवन में मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाया जाए, अपने चारों तरफ सिर्फ मुस्कुराहट भर दी जाए, अपने जीवन को आनंद से भर लिया जाए। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, और अगली वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस के साथ। जय हिंद। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।